नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। गाजीपुर में अभी देर शाम बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। आमने सामने पड़ने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें नंदगंज थाना अध्यक्ष के बुलेट प्रूफ में 2 बुलेट लगी, जिससे थाना अध्यक्ष की जान बच गई। लेकिन वहीं बदमाशों से निपटने में ट्रेंड यूपी पुलिस ने बदमाशों को पैर में गोली मारकर घायल कर धर दबोचा। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट के रुपए, पिस्टल, मोटरसाइकिल आदि बरामद किया है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के जंजीरपुर मोड़ की है। वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घायल लुटेरों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं एसपी गाजीपुर रामबदन सिंह ने बताया कि आज सुबह नंदगंज थाना क्षेत्र के बैंक मित्र ने अपनी दुकान का शटर खोला था कि बाइक से 3 बदमाश आए। 2 अंदर आ गए और 1 बदमाश बाहर रह गया। अंदर आकर उन्होंने 1,80,000 रुपये की लूट की और फायर कर भाग गए। लेकिन बैंक मित्र ने उनका पीछा कर बाइक का नंबर नोट कर लिया। इसी मामले में बाइक सवार बदमाशों की तलाश पूरे जिले में चेकिंग अभियान कर की जा रही थी। तभी शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के जेतपुरा के पास 2 संदिग्ध बाइक सवारों को पुलिस ने रोकना चाहा, तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें नंदगंज थाना अध्यक्ष के जैकेट पर 2 गोलियां लगी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से दोनों बदमाश जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के पास से 1 पिस्टल, 1 तमंचा, मोटरसाइकिल तथा बैंक मित्र से लूटा गया रुपयों से भरा झोला बरामद हुआ। बरामद झोले में लूट की पूरी रकम और अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। एसपी गाजीपुर के अनुसार गिरफ्तार बदमाशों की पहचान नगसर थाना क्षेत्र के नूरपुर घोदा निवासी राजन पांडे और किशन जायसवाल के रूप में हुई है। दोनों के पैर में गोली लगी है। पुलिस टीम इनके आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुटी है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में सनसनी व्याप्त है। सर, ये किस प्रकार की मुठभेड़ हुई है? देखिए, आज सवेरे 10 बजे हमको सूचना मिली थी कि तलवल मोड़ के पास एक बैंक मित्र हैं, अवकाश बिंद। वो सवेरे आए, अपनी दुकान जैसे ही खोले और उन्होंने अपना बैग रखा था ड्राज में, भी उन ताला लगा लिया और वो कहे कि हम अपना झाड़ू लगा रहे थे। उसी समय स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से 3 लोग आए, एक तो बाहर स्टार्ट किए हुए खड़ा रखा था, 2 लोग आए और उन्होंने उससे ज़बरदस्ती चाबी ली। चाबी लेने के बाद ड्राज खोला, उसका बैग लिया और वो चल दिए। जाते समय उन्होंने फायर किया। इसके बाद इस अवकाश बिंद ने उनका पीछा किया। जब वो पीछा कर रहा था उसके बाद भी उन्होंने फायर किया, लेकिन इसी बीच उसने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था जो UP 61 AF 0619 था। इस पर हमने पूरे ज़िले में मैसेज फ्लैश किया, लगातार इसकी चेकिंग हो रही थी, पूरा दिन भी इसकी चेकिंग चली थी। उस समय तो ये छिप गए थे, लेकिन अभी शाम को फिर ये गाड़ी ट्रेस हुई तो इसका फिर पीछा किया गया। और जब पीछा किया गया तो जब ये घिर गए तो इन्होंने फायरिंग की पुलिस पार्टी पर, जिससे जो नंदगंज एसओ हैं उनके बुलेट प्रूफ में 2 गोलियां लगी। बचाव में पुलिस ने फायरिंग किया, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोलियां लगी। इस समय उन्हें तुरंत हॉस्पिटल के लिए भेजा गया है। और जब यहां पर देखा गया तो ये वही गाड़ी है जिससे लूट हुई थी, उसका बैग भी बरामद है जो आप देख रहे हैं, पैसा भी है उसमें और उसका सारा सामान भी है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।